हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो बिल्कुल इजी है और बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैंने वाटर को, पानी को बॉयल कर लिया है। यहाँ पे मैं कप के थ्रू चावल ऐड करूंगी पानी में। करीब 2 कप मैं यहाँ पे चावल के आटा जो है उसे ऐड करूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पे मैंने अदरक लिया हुआ है करीब 7-8, जिसे मैंने पतले पतले कट कर लिए थे, और करीब 1 चम्मच की नमक मैं यहाँ पे ऐड करूंगी और फिर सबको अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए, हमारा जो चावल का आटा है वो बहुत डार्क हो गया है और बिल्कुल भी इसमें पानी अब नहीं रह गया है। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। आप मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो चावल बॉईल किए थे, चावल के आटे को आलू में मिक्स करेंगे और फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच के हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चुटकी के करीब हींग, और फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हम बेसन ऐड करेंगे और फिर उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मैंने बेसन डाला है, आप यहाँ पे सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे फ्लेवर भी आएगा और ये थोड़ा फ्री भी हो जाएगा। और फिर हाथों में तेल लगा के इसको फिर से मिला लेंगे और फिर हमें करना है गोल और इसे एक शेप दे देना है। आप कोई भी अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं चाकू से कट करके इसे शेप दूंगी। ये देखिए, मेरे सारे बन गए हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैं तेल ऐड करूंगी। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें अपने रोल्स को छान लेंगे। हम सारे रोल को गरम तेल में डाल के छान लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए फिर इसे हम निकाल लेंगे, वरना ये जल भी सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस ये ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब ऊपर से हम चाट मसाला और काला नमक से गार्निश कर देंगे। ये देखिए, हमारे टेस्टी रोल्स तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।